हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करा लूँ अपस्टॉक्स की बहुत ही मस्त वाली अपडेट के बारे में। वैसे दो तीन अपडेट आ चुकी है, डैशबोर्ड भी थोड़े से चेंजेस आए अपस्टॉक्स के अंदर, लेकिन मैं जो अपडेट की बात कर रहा हूँ वो मुझे काफ़ी मस्त लगी और ये अपडेट मेरे हिसाब से सभी ब्रोकर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि एक बिगनर लेवल बंदा जो भी हो, जो बिगनर सीख रहा हो, तो उसको पता चले कि ये शेयर जो है ऊपर चढ़ रहा है तो क्यों चढ़ रहा है, अगर नीचे उतर रहा है तो क्यों नीचे उतर रहा है, तो उसको प्रॉपरली एजुकेशन मिल सके। तो बहुत ही मस्त अपडेट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला अपस्टॉक्स की वो अपडेट के बारे में, साथ ही में कुछ और चेंजेस आए उसके बारे में। और आप लोग मुझे हर लाइव स्ट्रीम में पूछते रहते हो कि भाई कुछ टिप बता दो कुछ शेयर के बारे में, और मैं हर बार मना करता हूँ कि यार टिप वगैरह मैं नहीं दे पाऊंगा। सो वो मैं आपके लिए कुछ सोच रहा हूँ, कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो के एंड में वो चीज़ भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नील एंड स्टेट। सो गाइस, यहाँ पे अपस्टॉक का जो डैशबोर्ड है हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक नीचे लाइन दिखेगी, ये वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको ये इन्वेस्ट का एक यहाँ पे सेक्शन दिखेगा। तो पहले क्या था कि ये सेक्शन नहीं था इन्वेस्ट का, अभी ये जस्ट इंप्लीमेंट किया गया है। पहले आपको तीन डॉट जो आपको सामने दिख रहे कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता था। इन्वेस्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको डिजिटल गोल्ड, IPO, म्यूचुअल फंड तीन चीज़ दिखी। अब म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, को भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाना है तो यहाँ पे सीधा आप देख सकते हो, और IPOs के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। और डिजिटल गोल्ड जो कि काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है अपने गोल्ड मतलब पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, तो ये गोल्ड वाला है। लेकिन मैं इस अपडेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट नॉर्मल से थिंग्स है जो कि अभी आए। जो मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली आप जैसे ही कोई भी स्टॉक्स को पर्टिकुलर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको सीधा सीधा जो दूसरा वाला सेक्शन है ये वाला चार्ट्स, उसके एग्जिट बाजू में न्यूज़ वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये बहुत ही मस्त वाला अपडेट है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे वन सेकेंड उस पर, तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 21 मिनट्स एगो, यहाँ पे 21 मिनट्स एगो, इसका मतलब क्या है कि ऑन टाइम जो भी अपडेट आ रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, कि मान लो कि अभी रिसेंटली हुआ था यस बैंक पूरा टाइम कंसोलिडेट किया जा रहा था, और अचानक से उसने 60% का मूवमेंट दिखाया अपसाइड का, तो इससे आपको पता चला कि 60% अप क्यों गया, मतलब क्या न्यूज़ आई जिससे कि ये 60% अप गया, और क्या न्यूज़ आई कि ये स्टॉक पर्टिकुलर डाउन गया। तो यहाँ पे यस बैंक टारगेट स्टार्टअप सेक्टर टाइज अप विथ GVFL, तो 21 मिनट्स अगो मतलब 21 मिनट्स पहले ये अपडेट आ चुका है। उसके नीचे 53 मिनट्स अगो, उसके नीचे 3 घंटे पहले, उसके नीचे 3 घंटे पहले, उसके नीचे 4 घंटे पहले, तो ये जो भी रिसेंटली अपडेट्स आते रहते हैं, जो कि ये अपस्टॉक्स नहीं बनाते, मतलब जो भी दूसरे जो भी वेबसाइट वगैरह, जैसे अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको सीधा किसी और पेज के अंदर ये रिडायरेक्ट होगा। ये कौन सा है, newkerala.com। तो न्यू केरला ने जैसे ही अपडेट डाला, अपस्टॉक्स का सीधा अल्गोरिदम उसको न्यूज़ सेक्शन में लेके आएगा, तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है और क्यों हो रही है इसके ऊपर आप देख सकते हो। तो ये जो टाइप वगैरह हो वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। लेकिन मुझे ये अपडेट बहुत अच्छा लगा कि जिससे कि आप पर्टिकुलरली जान सको। तो यार, जब भी कोई नया बंदा शेयर मार्केट के अंदर एंट्री लेता है तो उसको वही डाउट रहता है कि अगर मैं इस शेयर के अंदर डाल दूँ अपना पैसे, लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ गई ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, मुझे न्यूज़ के बारे में पता नहीं, कहाँ से मैं न्यूज़ कलेक्ट करूँगा, तो वो सारे झंझट साइड पे। अभी सीधा सीधा अपस्टॉक्स के अंदर न्यूज़ सेक्शन आ चुका है, वहाँ से सीधी ऑन टाइम न्यूज़ आप पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हलचल हुई है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, तो इससे प्रॉपरली आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये हुआ है तो इस वजह से इसकी मूवमेंट आई है। और दूसरा साइड ये भी हो सकता है कि बायर्स बढ़ चुके हैं, मतलब कोई भी ऑपरेटर अपनी गेम खेलता है, लेकिन ऑपरेटर से ज़्यादा कि न्यूज़ जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है, क्योंकि ऑपरेटर तो कभी कभी बढ़ाता है लेकिन न्यूज़ से वो चीज़ अफेक्ट करती है। और अब बात करते हैं जो लोग टिप्स वगैरह की बात करते हो कि भाई कोई अच्छा सा स्टॉक दिखा दो, मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आता है कि भाई एक अच्छा सा स्टॉक दिखा दो जहाँ पे मैं ट्रेडिंग वगैरह कर सकूँ, और भाई अपनी होल्डिंग दिखा दो, वो 3 से 4 बार मैसेज आ चुके हैं। तो होल्डिंग तो मैं दिखा दूंगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टॉक्स की टिप वगैरह है वो सारी चीज़ थोड़ी सी रिस्की है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर आपको रिकमेंडेशन दे दी, अब उस स्टॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा है, और मेरा और आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 का लॉस मेरे सामने दिख रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये स्टॉक अच्छा है, 10,000 का लॉस है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अप आ जाएगा, तो मैं पैनिक में नहीं आऊँगा। लेकिन अगर मान लो आपको 1,000 रुपये का लॉस दिख गया उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो आप पैनिक में उसको सेल कर दोगे। तो रिस्क का जो कैपिटाइज है, जो रिस्क लेने की क्षमता है, वो आप और आपकी और मेरी बहुत ही अलग है, तो इसलिए टिप देना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, जैसे कुछ स्टॉक्स के ब्रोकरेज फर्म्स है जहाँ पे टिप्स वगैरह मिलती है, और कुछ ऐसे टेलीग्राम चैनल्स भी है जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के, जहाँ पे उनके प्रेडिक्शन सभी सही जाते हैं, तो वो उनके कुछ प्राइस वगैरह रहते हैं कुछ 900 रुपये, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, तो उस प्राइस के बाद वो लोग अपने प्रीमियम मेंबर्स को उसके अंदर ऐड करते हैं, ऐसा कुछ मतलब पूरा प्रोग्राम है। तो वो चीज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि जहाँ पे मैं खुद उनको 1,500 रुपये पे कर दूँ, और उसके अंदर से जो भी मटेरियल निकल के आता है, जो भी लोग टिप वगैरह देते हैं कोई भी स्टॉक्स के अंदर, वैसे मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता टिप वगैरह पे, मैं खुद के नॉलेज के ऊपर मैं ट्रेडिंग वगैरह पे बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो उस सारी चीज़ों के अंदर मैं खुद
1500 रुपये के आसपास जो भी पे करना होता है मैं पे कर दूँ आपके लिए, और अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स और ये जो मतलब गाइड कर रहा है उसको मैं खुद एनालाइज करूँ कि अच्छा ये मतलब मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस का बोल रहा है कि रिलायंस इस टारगेट पे बाय करो इतने पे जाएगा, तो मैं खुद एक बार एनालाइज करूँ कि यार ये सही में ऐसा जाएगा, अगर मुझे लगता है कि हाँ जाएगा तो वही चीज़ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उसके अंदर शेयर कर दूँ। उसमें सभी स्टॉक्स के अंदर तो जा नहीं पाऊँगा, तो वो जो एनालाइज करके निकालते हैं वही चीज़ को मैं खुद एनालाइज करूँ, मतलब दो बार एनालाइज हो गया और उसके बाद जाके मैं आपको वो चीज़ शेयर करूँ। और साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि मैंने जस्ट अभी ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करा है अपस्टॉक के अंदर। ऑप्शन में बेसिकली ऐसा है कि जैसे आप इंट्राडे करते हो इंट्राडे के अंदर आपको बाय सेल करना होता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन इंट्राडे के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस 50-50 रहता है, ऑप्शन के अंदर आपका लॉस जो है मिनिमाइज रहता है और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज रहता है। तो लॉस उतना ही रहेगा जितना प्रीमियम को पे करोगे और प्रॉफिट है जो कि अनलिमिटेड है। तो उसके अंदर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाला हूँ। सो अगर आप चाहो तो अपने खुद भी ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट करवा सकते हो, तो साथ में उसकी भी कुछ टिप्स वगैरह होगी तो मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वो सारी जो टिप्स वगैरह है मैं खुद वो बना नहीं रहा हूँ, मैं किसी और की जो एनालिसिस है उसको ही मैं आपके आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं खुद अपना खुद थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और मैं चीज आपके सामने शेयर कर दूँगा। तो ये चीज़ हो सकती है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो जो भी पेमेंट वगैरह होगा मैं उसको कर दूंगा और साथ ही में सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा। साथ ही में मेरे पास मनी कंट्रोल का भी प्रो सब्सक्रिप्शन है, तो उसके अंदर भी कुछ टिप्स वगैरह आते हैं जो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप वो चाहिए तो भी मैं आपको भेज सकता हूँ वहाँ पे। और उस कुछ न्यूज़ वगैरह रहेगी वो तो मैं सीधी बात है वहाँ पे बता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता आप, मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको ऑप्शन का एक्टिवेट कराना सेगमेंट तो आप अपस्टॉक के अंदर एक्टिवेट करा सकते हो। अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट है तो मुझे बताओ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हो, तो मैं अपनी लिंक भेज के आपको पूरी अकाउंट प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प करूँगा। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर, होपफुली आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी मैं करता हूँ यार आपके लिए करता हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा तो। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।